भारतीय बैडमिंटन टीम ने आज इतिहास रचा है। 73 सालों में पहली बार थॉमस कप जीतकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं अपनी ओर से और सभी देशवासियों की ओर से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसमें 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को तो 5 बार की चैंपियन मलेशिया और डेनमार्क को भी हराया है। ये छोटी नहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार प्रयास, उनकी योजनाएं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देने का काम, सुविधाएं देने का काम, मनोबल बढ़ाने का काम समय समय पर किया है, और हमारे खिलाड़ियों ने भी पूरी ताकत लगाकर एक के बाद दूसरा चैंपियनशिप जीतने का काम किया। मैं अपनी ओर से और खेल मंत्रालय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार कैश प्राइज टीम इंडिया के लिए घोषित करता हूं थॉमस कप जीतने पर। और मुझे पूर्ण आशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के जो प्रयास हैं, हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत के साथ ऐसे और टूर्नामेंट जीतेंगे और मेडल जीतेंगे और तिरंगे की आन बान शान को और बढ़ाएंगे। नहीं, ये गोटे बहुत बड़ दिन आम बैडमिंटन मैंने हिस्ट्री गोटे बड़ दिन, हिस्ट्री गोटे क्रिएट है, बैडमिंटन हिस्ट्री गोटे क्रिएट है। आम जाओ कंग्रेचुलेसन टू इंडियन बैडमिंटन आसोसीएसन प्लेयर्स समस्त को। देखो थॉमस कप आरंभ होता 1948-49 स्टार्ट होता, तापर थॉमस कप्र सबुठ भल टीम हूँ इंडोनेशिया, जी कि 14 टाइम्स चंपियन आ लास्ट डिफेंडिंग चंपियन बोधे ये हूँ इंडोनेशिया। आटा गोटे बहुत बड़ अचीवमेंट आम प्लेयर जो मैंने कि गोटे बहुत बड़ जिनस कले बैडमिंटन इंप्रूवमेंट भी यहाँ बहुत बड़ आस। लास्ट देखो लास्ट 1 इयर्स है आमर मेन्स टीम रे लक्ष्य सेन बहुत भल कर चली, जोटा कि आमर बहुत होप थिला जे नाई लक्ष्य किसी गोटे भल कर बोलिकी। आपण तो श्रीकांत कर श्रीकांत तो अनडाउटेबली बहुत भल प्लेयर्स, तो आम टीम बहुत बालांस थिला एथरक, माने अदर्स टीम्स अपेक्षा आमर इंडियन टीम बहुत बालांस थिला। आज हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि जिस प्रकार से हमारी भारतीय टीम में इंडोनेशिया को हराया है, इतिहास बनाया है आज के दिन। और पिछले 73 वर्षों के थॉमस कप प्रतियोगिता में इंडिया ने पहली बार इंडोनेशिया जैसी टीम को हरा कर जो आज इतिहास साबित किया है, जिसमें हमारे लक्ष्य सेन जी ने, ओके श्रीकांत, और जिस प्रकार से इन्होंने भारत को जीत जिलाई है, लक्ष्य सेन जी तीसरे गेम में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि फर्स्ट गेम में वो थोड़ा पिछड़े हुए थे, लेकिन सेकंड थर्ड गेम उन्होंने बहुत ही अच्छे खेला और काबिले तारीफ था। देखो तो थॉमस कप है गोटे बहुत बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड लेवल रे, टीम चैंपियनशिप्स रे इंडिया आज जो जीति आज आमको बहुत खुशी लगुच, यहाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट, यही भाई अचीवमेंट आगुरी केवे हो नाला। इंडिया आगुरी थॉमस कप रे सेमीफाइनल थे जाइए, किंतु आज जो प्रदर्शन करके इंडोनेशिया भाया फॉर्मिडेबल टीम को हरईंट, यहाँ बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट।